लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का यह मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक होगा किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आईपीएल 2023 में सभी मर्यादाओं को पार करते हुए लखनऊ की टीम ने 257 रन जैसा पहाड़ समान लक्ष्य खड़ा किया था, तो जवाब में पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले में एक तरफा ही हार गई। लेकिन वहीं हार के बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसमें प्रीति ने गुस्से में खुलासा करते हुए शिखर धवन समेत कई खिलाड़ियों की लताड़ लगाई। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा प्रीति जिंटा ने और किस पर फूटा प्रीति का गुस्सा। मोहाली के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की पहले बल्लेबाजी थी और ये बल्लेबाजी इतनी ज्यादा खतरनाक रहेगी इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काइल मेयर्स इस मुकाबले में सिर्फ 24 गेंदों में 54 रन बना गई। केएल राहुल तो इस मुकाबले में कुछ बड़ा नहीं कर सके, लेकिन बाकी सभी बल्लेबाजों ने ऐसा क्रिकेट खेला जिसे देखकर आदित्य शेट्टी भी मैदान पर दंग हो गई थी। आयुष बदौनी 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। बता दें कि इतनी घातक शुरुआत लखनऊ की टीम को मिली थी कि 13 ओवर में ही 160 रन से भी ज्यादा टीम स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी और बाकी कसर पूरी कर दी मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने। स्टोइनिस 40 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुए तो पूरन ने 19 गेंदों में 45 रन ठोक दिए और टीम 20 ओवर में 257 रन तक पहुंच गई। पंजाब के लिए लक्ष्य इतना ज्यादा मुश्किल था जिसे देखकर ही दबाव साफ देखा जा रहा था। कप्तान शिखर धवन एक के स्कोर पर ही आउट हो गए और प्रभ सिमरन भी सिर्फ 13 गेंदों में 9 रन नहीं बना सके। दोनों सलामी बल्लेबाज 31 रन के अंदर पवेलियन लौट चुके थे। 5 ओवर में लगभग टीम का स्कोर 40 रन ही हो पाया था। उसके बाद सिकंदर रजा और अथर्व के बीच एक शानदार साझेदारी हो गई जिन्होंने टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। मुकाबले में रोमांच पैदा हो गया था कि इस बीच सिकंदर रजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुणाल पांड्या को अपना कैच दे बैठे जिन्होंने 22 गेंदों में 36 रन बनाए। वहीं अथर्व ने 36 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली। 127 के स्कोर पर 4 विकेट हो चुके थे। सैम करन और लियाम लिविंगस्टोन क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ही बड़े शॉट खेल रहे थे। 14 ओवर में 140 रन थे। आगे चलकर दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में जान फूंकने की कोशिश तो की, लेकिन पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले को अंतिम चरण में जाकर हार गई। बता दें टीम की हार के बाद मालकिन प्रीति जिंटा का बड़ा बयान सामने आया है। टीम के घटिया प्रदर्शन पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों की जमकर लताड़ लगाई। प्रीति ने कहा, सबसे पहले तो गेंदबाजी इतनी खराब रही जिसकी वजह से इतना पहाड़ समान लक्ष्य लखनऊ की टीम ने बना लिया था, जिसके बाद हार तो मुझे साफ दिखाई देने लगी थी। और उसके बाद टीम की हार के जिम्मेदार शिखर धवन भी रहे जो कि टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही टीम की ओर से उन्हें जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी थी। लेकिन शिखर धवन इस मुकाबले में सिर्फ एक ही रन ही बना सके। प्रीति ने कहा, बाकी खिलाड़ियों का योगदान भी कुछ खास नहीं रहा, लेकिन युवा खिलाड़ी अथर्व की तारीफ करनी होगी। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट दिखाकर मेरा दिल खुश कर दिया, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं दूंगी। लखनऊ की टीम ने आज अच्छी क्रिकेट खेली, शायद यही कारण था कि उनकी टीम जीती। हमें भी बदले में अच्छी क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन हमारी ओर से इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जा सकी जिसकी वजह से हमारी टीम हार गई। इस तरह से प्रीति जिंटा टीम की हार पर बड़ा बयान जारी करते हुए अपना गुस्सा खोला है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, किसकी वजह से पंजाब किंग्स की टीम हारी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।